अगर आपका शौक जो है वो ट्रू एसयूवी का है लेकिन आपका बजट कॉम्पैक्ट एसयूवी का ही है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो दोस्तों ये है महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव 4x2 में 2023 का वेरिएंट। आज इसी का ही हम रिव्यू करेंगे, चाहे एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, इंडिया में जो थार के शौकीन है ना, टोटल दो टाइप के लोग ही हैं। एक जो उस टाइप के लोग हैं जो वाकई में एक ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं, जो खराब रास्तों पे चलाना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग का फुल टू मजा लेना चाहते हैं, उस टाइप के लोग हैं। एक दूसरे टाइप के लोग हैं जो इस सब चीज़ों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं, बस एक थार लेना चाहते हैं, टसन दिखाना चाहते हैं, बकाल दिखा उखा के सिटी में ड्राइव करके अपना घर पर ला करके खड़ी कर देना चाहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इन टाइप के लोगों को भी 4x4 वेरिएंट खरीदना पड़ता था, लेकिन अब महिंद्रा ने इस चीज़ को समझा है और 4x2 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल थार के कस्टमर हैं, जो थार के शौकीन हैं, जो उसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अब थार का 4x2 वेरिएंट लॉन्च हो गया, जिसकी वजह से उनकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। बिना मतलब का उनको डिफरेंशियल वगैरह का जो भी टेंशन है वो पालना नहीं पड़ेगा, आराम से टशन वशन दिखा के रोड पे चला करके इसके रोड प्रेजेंस को आप दिखा सकते हो। वैसे अगर थार 4x2 LX का ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करें डीजल में, तो ये गाड़ी आपको 14 लाख रुपए ऑन रोड डीपी ऑटो गोरखपुर पे मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको स्वरूप की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर इस गाड़ी की फ्रंट के डिजाइन आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जानते हो क्या, इसके लोअर बम्पर की डिज़ाइन इसकी इतनी ज़्यादा सटीक बनाई गई है ना, इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है ना, कि जिसकी वजह से इस गाड़ी का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आता है। अगर रोड प्रेजेंस की इस गाड़ी की फॉर्चूनर से तुलना करें ना, तो ये गाड़ी अगर इसके रोड प्रेजेंस की अगर तुलना केवल करें फॉर्चूनर से, तो फॉर्चूनर को भी ये काफ़ी हद तक पानी पिला देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यार इसका फ्रंट का जो डिज़ाइन, लोअर बम्पर का जो डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी ब्रॉड है। जो लोअर बम्पर का डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, ये इतना ब्रॉड आप कंपनी ने दिया है ना, जिसकी वजह से इसका यार रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक के आता है। साथ ही में एक क्लासिक लुक दिया ही हुआ है। नीचे मिलने वाले जो फॉग लैंप वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लोअर ग्रिल से गाड़ी बहुत ज़्यादा माचो वाली फीलिंग देती है, जिसकी वजह से इसका मैस्कुलर एग्रेसिव लुक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रोड पे काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव फील होती है। इसीलिए इस गाड़ी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं रोड प्रेजेंस के मामले में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर DRS वगैरह भी आपको इसमें मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। हैलोजन में हेडलैम्प मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। और यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिलती है, ना कि महिंद्रा का लोगो। ग्रिल वगैरह आप देख सकते हो, तो क्लासिक ग्रिल मिलता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखो डंडी टाइप का मिल रहा है, यहाँ पे पूरी डंडी टाइप की मिल रही है, अंदर जाली मिलती है, जो देखने में क्लासिक लुक देता है। फ्रंट से इसका डिज़ाइन इतना बेहतरीन लगता है, यहाँ पे आप बोनट वगैरह खोलने के लिए दिया गया है। ये सब क्लासिक लुक जो छोटी छोटी चेंजेस किए गए ना, वो क्लासिक लुक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड देता है। फ्रंट में आपको देख सकते हो, यहाँ पे वाइपर वगैरह मिल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शानदार लगते हैं। गाड़ी यार देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, एग्रेसिव लगती है, जो काफ़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस को इन्हेंस करती है। तो यही चीज़ है थार की सबसे अच्छी चीज़, जिसकी वजह से इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लैडिंग वगैरह आपको काफ़ी मोटी मिलती है, जो अच्छा लगता है देखने में। यहीं पर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। क्लैडिंग देखिए, फुट पैड से होते हुए पूरे गाड़ी को सराउंडेड जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का लुक, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलती है। साथ ही में यहाँ पे थार की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्लासिक लुक वाला ग्रोर का कब्जा वगैरह मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, कितने ज़्यादा बड़े मिलते हैं, देख सकते हैं वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े मिलते हैं इसके। ये एटकली एडजस्टेबल हैं, ये अच्छी बात आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको डोर हैंडल ब्लैक कलर में ही मिलते, कार्बन ब्लैक में ही मिलते हैंडल वगैरह। यहाँ से आज इसका यार बैक सीट का आपको देख सकते हो, ग्लास एरिया कितना बड़ा मिलता है, जिसकी वजह से अंदर आपको क्लास्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आती है। देखो रूफ वगैरह आपको हार्ड टॉप में मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, जो आप अलग अलग वेरियंट आपका मिलता ही है, कोई जिसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। पीछे से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, शानदार लगती है देखने में। पीछे के लुक उसकी और ज़्यादा इन्हेंस करती है, जितनी ज़्यादा खतरनाक लुक आपको आगे की दिखती है, उतनी ज़्यादा सटीक लुक आपको पीछे की मिलती है। इस गाड़ी में यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। रियर टेल लैम्प पे आपको LED बेस ही आपको पूरा टेल लैम्प मिलता है, जो देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, रियर फॉग लैम्प या थार की बैजिंग वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती है। नीचे अगर बम्पर में अगर आप देखोगे, तो ये पूरा कार्बन ब्लैक में आपको बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे टेल लैंप मिल जाता है रेड कलर का। नीचे आपको यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, टोटल दो पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। एक अच्छी चीज़ मिलती है कि यहाँ पे आपको 5 अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं थार में, जो कि कोई भी कंपनी ऑफर नहीं करती है। टायर सेक्शन की अगर इसमें बात किया जाए, तो 255/65 और 18 इंच की आपको गन मेटल शेप आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो काफ़ी मजबूत है। कितनी हैवी अलॉय व्हील्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। साथ ही में MRF के टायर मिलते हैं, जो काफ़ी शानदार है। रियर आपको डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे आपको मिल जाता है।
रूफ मिल जाती है आपको हार्ड टॉप वाली। अगर यहाँ पे आओगे तो इसके डोर को खोलते हैं तो देखो यार कुछ खास बूट वगैरह आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक है, थार है, इस तरह से आपको डोर खोलने को मिलता है। जो 4x4 है वही सेम है, बस इसका सेम तरीके से खुलती है, कोई अंतर आपको नहीं मिलता, खोल नहीं सकता, देख सकते हो जगह कम है थोड़ी यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो सेम 4x4 से सेम ही मिलता है, कुछ भी अंतर आपको नहीं मिलता है सिवाय डिफरेंशियल के। आइए अंदर चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर मिल जाती हैं इसमें। अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन ब्लैक में आपको इंटीरियर मिलता है, यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिल जाती है जो काफ़ी शानदार है, यहाँ पे ओ आर बीम से कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर बीम जो देखने में ठीक है, यहाँ से कर सकते हो एडजस्ट वगैरह। यहाँ पे आपको विक वाटर होल्डर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेम जो 4x4 में मिलती हैं सेम इसमें भी आपको देखने को मिलती हैं। पहले इसमें की लगा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। देखो भाई यहाँ पे आपको मैन्युअली आपको हाइट और सीट का एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, इसमें देख सकते हो पैडल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ सारे ऊपर आओगे तो यहाँ सारे कंट्रोल मिल जाते हैं जो भी हैं, हेडलैम्प वगैरह के और भी सारे जो भी कंट्रोल है सब यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आइए बैठते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कैसा फील आता है। भाई एक चीज़ तो है, गाड़ी काफ़ी ऊँची है, काफ़ी कमांडिंग पोजिशन आपको इसमें बैठने पर मिलती है। अच्छा एक बात है, इस गाड़ी में बैठने पर आपको कुछ अलग सी फीलिंग आएगी, मज़ा आएगा, जैसे लगेगा कि कुछ अलग जगह बैठे हैं। वहीं पे अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की देख सकते हो यार, कोई भी लेदर वगैरह आपको स्टेयरिंग व्हील पे नहीं देखने को मिलती है, नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको सारे मिल जाते हैं म्यूजिक वगैरह के, यहाँ से आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इसमें दिया गया है, साथ ही में आपको बीच में महिंद्रा का लोगो मिलता है। इसके MID की बात की, वही नॉर्मल MID मिलती है जो थार में हमेशा मिलती थी, सेम वही MID काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, देख सकते हो छोटी सी यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग में ही मिलता है, बीच में आपको MID मिलती है 4 इंच की जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बेहतरीन है। तो ये चीज़ आपको बेहतरीन मिलती हैं थार में। अगर यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह सपोर्ट करता है, क्वालिटी भी अच्छी है, टच वगैरह रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। 2 स्पीकर डोर ट्विटर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी हैं, इसके साइज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन है। थार वगैरह में इतने ज़्यादा लोग म्यूजिक के शौकीन नहीं होते हैं, नॉर्मल ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बनी हुई है, बेहतरीन यार, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है यार, टच की क्वालिटी ठीक लगी है मुझे, कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पे आप बटन वगैरह से भी कर सकते हो, AC वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे आपको मैनुअली AC मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मैनुअली AC हैं सब। यहाँ पे बटन वगैरह मिलते हैं एयरबैग वगैरह के, हजार्ड लैम्प के, ट्रैक्शन के सारे बटन वगैरह आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पे 12 USB मिल जाता है, यहाँ पे ऑक्स केबल, 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको एक यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जगह मिलती है यार फोन वगैरह अपना रख सकते हो। यहाँ पे यार गियर बॉक्स देखा जाए कितना हार्ड है, यहाँ पे क्या है, गियर देखा जाए तो काफ़ी स्मूथ है यार, ठीक लगता है यार गियर में, कोई आपको अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंशियल आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से गियर यार ठीक है, स्मूथ है नॉर्मल के मुकाबले। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो चेंज किया गया ना, वो चेंज किया गया वो यहाँ पे डिफरेंशियल पूरी तरीके से गायब हो गई, यहाँ पे आपको सामान वगैरह रखने के लिए जगह मिल गया है डिफरेंशियल की जगह, जो काफ़ी अच्छा है, कोई भी झमेला आपको नहीं पालना पड़ेगा, आराम से निकाल के आप चला सकते हो, डिफरेंशियल का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा शानदार है, यहाँ पे आप सामान वगैरह कप होल्डर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, हैंडब्रेक वगैरह सारी चीज़ आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हो कितना बड़ा आपको मिलता है, यहाँ पे यार ग्रैबिंग के लिए काफ़ी अच्छा पोजीशन मिलता है जो अच्छा लगता है, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह हार्ड मिलती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन काफ़ी कमांडिंग मिलती है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटर वगैरह नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मैन्युअली आपको IRBMs मिलते हैं, यहाँ पे आपको वेंटिलेटर देखने को मिल जाता है। टॉप की बात करें तो देख सकते हो हार्ड टॉप है, प्लास्टिक वाली आवाज़ आ रही है, तो ये चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है LED बेस में, यहाँ पे ट्विटर मिल जाते हैं, 2 स्पीकर आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं कुछ हिस्सा का रियर सीट मिल जाता है, इसमें आप अपने बच्चों को आराम से बैठा सकते हो, 2 लोग 2 बच्चे आराम से ट्रसन दिखाते हुए चलाओ यार, सिटी के लिए यार परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट साइज़ है गाड़ी, बेहतरीन आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग पोजिशन मिलती है, देखने में यार मज़ा आ जाता है, देख रहे हो सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखती है, जैसे लगता है बोनट पूरा दिखता है, सारी चीज़ें एकदम विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलती है थार में। देखिए देखिए 4x4 वाली थार जा रही है, कुछ ही दिन का इंटीरियर मिलता है महिंद्रा थार 4x2 2023 का। तो चलिए आइए गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं भाई साइड से गाड़ी में क्या क्या मिलता है, और भी चीज़ें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा इस गाड़ी से अगर आप नीचे उतरोगे तो लगेगा कि हाँ यार किसी यार ऊंची गाड़ी से आप नीचे उतर रहे हो,
अगर इस गाड़ी की अगर साइज की बात करें तो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, सिटी वगैरह में भी चलने में कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि 4x2 है तो आराम से आप सिटी वगैरह में राइड करा सकते हो। और डायमेंशनली यार काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, देख सकते हो इसका आप फ्रंट का बोनट देखो और इसकी साइज देखो, देख रहे हो बोनट का साइज काफी ज्यादा आपको बड़ा मिलता है, कमांडिंग मिलता है। डायमेंशनली इस गाड़ी की बात करें तो लेंथ मिल जाती है 3985mm की, विड्थ मिलती है 1855mm की, हाइट मिलती है 1844mm की, व्हील बेस की बात करें तो 2450mm की व्हील बेस भी देखने को इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। तो देखा जाए तो साइड प्रोफाइल से यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सिटी वगैरह की कोई ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो 4x4 वाली दोनों खड़ी कितनी ज़्यादा शानदार लगी है, थार की थार वाली रैली लग रही है, देख रहे हो। अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें ये डीजल इंजन है, तो वही 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 116 PS की पावर देता है 300 Nm टॉर्क के आसपास। तो वहीं पे अगर बात करते हैं इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, सेफ्टी के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर डायरेक्शन मॉनिटर सिस्टम, ESP, रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर्स आपको, सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में ग्लोबल NCAP द्वारा 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग भी इस गाड़ी को मिली है, तो सेफ्टी से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, हर तरीके से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाती है, चाहे सेफ्टी से लीजिए चाहे ऑफ रोडिंग से ले लीजिए, जहाँ चाहे वहाँ इस गाड़ी को आप नचाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखिए आपको एंटीना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें इसमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहा थार 4x2 LX टॉप मॉडल का रिव्यू, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।